रायपुर के शांति सरोवर द्वारा डॉक्टर्स के सम्मान में बालाजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर्स का सम्मान करते हुए संस्था के क्षेत्र निदेशिका बीके कमला दीदी ने कहा कि चिकित्सक को ईश्वर का रूप कहा जाता है। डॉक्टर्स लोगों को जीवन देते हैं, इसीलिए उनका पेशा सबसे सम्मानजनक है। उन्होंने हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र नायक की निस्वार्थ सेवा की भी तारीफ की। वहीं डॉक्टर नायक ने ब्रह्मा कुमारी संस्था को अपना दूसरा परिवार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेडिटेशन करने वाले मरीजों की रिकवरी जल्दी होती है। कार्यक्रम में बीके सविता, बीके किरण, श्रीमती नीता नायक समेत हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहा। ऐसे कर्नाटक के बांगरपेट सेवा केंद्र की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नगर पार्षद और नगर निगम कार्यकर्ताओं के सम्मान में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था में सहयोग और अथक सेवा के लिए 10 पार्षद समेत 120 लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में टीएमसी अध्यक्ष फरजान सुहेल, पर्यावरण अभियंता महेश, स्वास्थ्य निरीक्षक गोविंद राजू खास तौर पर शामिल रहे। शांति एवं खुशी के लिए आध्यात्मिकता विषय को लेकर भुवनेश्वर के डीएम रिजॉर्ट में आयोजित पब्लिक प्रोग्राम में ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई ने दुख और अशांति से भरे इस काल में शांति एवं खुशी का अनुभव करने के लिए राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाने का आग्रह किया। इसके अलावा भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी और बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी दीदी ने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कार्यक्रम के दौरान डीएम रिजॉर्ट के प्रोप्राइटर रामा शंकर आचार्य भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के शाजापुर में शिव वरदानी धाम सेवा केंद्र द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र में तनाव मुक्ति एवं सुखी जीवन विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके पूनम दीदी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि तनाव का मुख्य कारण है नकारात्मक और व्यर्थ चिंतन, और राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से मन इन्हीं नकारात्मक और व्यर्थ चिंतन से निजात दिलाता है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के संचालक डॉक्टर अम्बावतिया ने अपने राजयोगी जीवन का अनुभव सुनाते हुए सभी को राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। जम्मू और कश्मीर के सुंदरबनी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा यहाँ मेरा जम्मू व्यसन मुक्त जम्मू अभियान चलाया गया। अभियान के तहत अक्टूबर मास में विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं में कई कार्यक्रम किए गए, जहाँ वीडियो शो के माध्यम से छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों और पुलिस जवानों को नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान को बताया गया और सभी को सेल्फ मोटिवेशन का कोर्स कराकर राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति भी कराई गई। इसके अलावा नशा नहीं करने की शपथ भी सभी को दिलाई गई। अभियान के तहत 10 से ज्यादा स्कूलों के हजारों बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। ओडिशा के खोरदा जिला स्थित अलारपुर शिव संदेश भवन में आत्मनिर्भर किसान स्वर्णिम भारत के पथ प्रदर्शक विषय पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीके राजू भाई सम्मिलित हुए। उन्होंने सभी को योगिक और ऑर्गेनिक खेती और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताया। भुवनेश्वर सब जोन इंचार्ज बीके लीना ने जैविक योगिक खेती से उत्पन्न पपीते और नींबू के नमूने भी सभी अतिथियों को दिए। कार्यक्रम में सीफा के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर एस एन सेठी, कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अजय कुमार दास, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष श्रीमती चित्रलेखा विशेष तौर पर शामिल रहे। बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने भी कार्यक्रम में अपनी विशेष भागीदारी दर्ज कराई। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र में संदेशी दादी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया और उनके निमित्त सेंटर पर भोग लगाया गया। आपको बता दें, संदेशी दादी सेवार्थ भुवनेश्वर में रहे थे। इस दिन सेंटर प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने सभी के साथ दादी के साथ के अनुभव साझा किए, तो भाइयों ने भी दादी के साथ जुड़ी यादें ताजा की और भाई बहनों ने दादी को श्रद्धा सुमन अर्पित भी किए। ऐसे ही यूनिट 9 सेवा केंद्र द्वारा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में भी दादी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हुआ,
जिसमें उड़ीसा लोकायुक्त देवव्रत स्वैन, विधायक अरविंद जाली, बीके राजू भाई, कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश दीदी, मुंबई से सीनियर राजयोगा टीचर बीके शोभा दीदी, डॉक्टर सचिन परब और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता दीदी उपस्थित रही और संदेशी दादी को शांति की शक्ति का योगदान दिया। जो भी हमारे बाबा के बच्चे जो दादियों की पालना लिए बहुत भाग्यवान है, तो गीता दीदी को मैंने कहा एक ही विशेषता बता दो दादी की, ऐसी क्या विशेषता थी? तो उन्होंने मुझे सुनाया एक बहुत सुंदर विशेषता कि दादी तुरंत सभी को माफ कर देती थी, चित्त के ऊपर किसी की नेगेटिविटी नहीं। अब कुछ खबरें एक नजर में। ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में एक दिवसीय कार्यक्रम, लोगों में बढ़ते हुए तनाव को दूर करने के लिए रखा गया कार्यक्रम। ग्वालियर और मालनपुर के सैकड़ों बीके सदस्यों ने लिया हिस्सा। रिट्रीट सेंटर की प्रभारी बीके ज्योति ने कहा जनसेवा से मिलती है दुआएं। लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने दिए जीवन जीने की कला के टिप्स। बीके प्रहलाद ने सभी को प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान करने के बताए फायदे। 21 दिवसीय मेगा मोटरसाइकिल शांति रैली का हुआ समापन। 9 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश से शुरू हुई थी मोटरसाइकिल रैली। 30 अक्टूबर को असम के तिनसुकिया के सादिया में रैली का हुआ समापन। लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से बचाना था रैली का उद्देश्य। रैली के दौरान लोगों को आध्यात्मिक जीवन शैली से जीने के लिए किया प्रेरित। ओडिशा के संबलपुर स्थित पावन सरोवर में 44वां वार्षिक उत्सव समारोह। दया और करुणा के आध्यात्मिक सशक्तिकरण वर्ष का भी हुआ शुभारंभ। दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण वर्ष का भी हुआ शुभारंभ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति की जागृति और स्व परिवर्तन से ही होगा विश्व परिवर्तन। 8 जिले के 600 से ज्यादा बीके सदस्यों ने लिया हिस्सा। झारखंड के हजारीबाग में गौशाला परिवार द्वारा गोपाष्टमी में कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारीज के बड़ा अखाड़ा सेवा केंद्र को विशेष निमंत्रण। ब्रह्मा कुमारीज ने लगाई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी। जिला कलेक्टर नैन्सी सहाय, विधायक मनीष जायसवाल, पूर्व सांसद महावीर लाल, मेयर रोशनी तिर्की, एसपी मनोज रत्न, गौशाला प्रमुख श्रद्धानंद सिंह, सचिव शंकर चंद्र पाठक समेत 5000 से अधिक लोगों ने किया चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा के मार्गदर्शन में लगाई गई चित्र प्रदर्शनी। गौशाला प्रमुख ने बीके बहनों को पटका पहनाकर किया सम्मानित। हरियाणा के हिसार सेवा केंद्र पर परमात्मा के साथ आनंदमय जीवन विषय पर कार्यक्रम। मुंबई से आए कॉर्पोरेट ट्रेनर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन रहे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता। बीके स्वामीनाथन ने भगवान के साथ माता पिता बंधु और सखा का संबंध अनुभव करने की कही बात। ऐसे ही सोनीपत में हरियाणा सरकार और सोनीपत जिला प्रबंधक ने मिलकर कृषि एवं किसान कल्याण हेतु लगाया मेला। ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 15 सेवा केंद्र ने लगाई शाश्वत योगी खेती पर आधारित चित्र प्रदर्शनी। बीके प्रमोद ने शाश्वत योगी खेती के साथ कर्मों की खेती के बारे में भी दी जानकारी। जिला कलेक्टर ललित सिवाच, एग्रीकल्चर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल सहरावत, एग्रीकल्चर ऑफिसर नवीन हुड्डा ने भी किया अवलोकन।